तृतीय पंथियों द्वारा डरा धमकाकर जबरन वसूली करने की शिकायतें सामने आने के बाद पुलिस कमिश्नर अमितेश कुमार ने सभी थानेदारों को सख्त कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। साथ ही धारा 144 लागू कर तृतीय पंथियों को साफ निर्देश दिए गए हैं कि बिन बुलाए किसी भी आयोजन में जाकर जबरन पैसे ना मांगे। यदि कोई ऐसी घटना होने की शिकायत मिलती है तो दंगा और जबरन वसूली करने सहित विविध धाराओं के तहत मामला दर्ज किया जाएगा। आपको बता दें कि सिटी में तृतीय पंथियों के अलग अलग गुट शहर में घूम रहे हैं। किसी के यहाँ बच्चा हो या विवाह समारोह, उन्हें पहले ही खबर मिल जाती है। पैसे नहीं मिलने या कम पैसे मिलने पर तृतीय पंथी आक्रामक हो जाते हैं, लोगों को कोसने लगते हैं। इन सभी पर रोक लगाना आवश्यक है। नमस्ते, मैं विद्या कामड़े हंसापुरी खदान से। आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे मेरा समुदाय है, हमारे गुरुजी बैठे हुए हैं, हमारे बहन बैठे हुए हैं। आज जो पेपर में जिस तरह से आया है कि जो 144 लागू की गई है, मैं नागरिकों से ये विनती करना चाहती हूँ, पुलिस कमिश्नर से भी विनती करना चाहती हूँ कि हमारा जो हंसापुरी खदान है सपोर्ट करता है पुलिस प्रशासन को। नागरिकों से विनती करना चाहूंगी कि ये जो नकली किन्नर लोग हैं, जिस तरह से आतंक कर रहे हैं, उसमें हमारा भी नाम खराब हो रहा है। पर जिस तरह पुलिस प्रशासन ने कदम उठाया कि 140 धारा 144 लागू करे, तो नागरिकों से विनती करना चाहूंगी कि आपके घर में अगर शुभ कार्य होता है, कुछ भी होता है, अगर आपको लगता है कि इन लोगों को बुला के देना चाहिए, तो आप लोगों को मैं अपना पता देती हूँ, हंसापुरी खदान डागा हॉस्पिटल के पीछे। जो आपकी मर्जी हो, जैसा आपको आपको लगता है कि जो हमें ऐसा योगदान देना चाहिए, अगर कोई किन्नर आपके घर में आता है, बदतमीजी करता है, तो ना दे किसी को, आप यहाँ पे आके दे। हमारे यहाँ पे भी बड़े बुजुर्ग है, आप लोगों को दुआ लगेगी। बस हमारी यही दुआ है। खुश रहिए। NBC न्यूज के लिए कैमरा पर्सन अखिलेश भरद्वाज के साथ अभिषेक मानसिक रिपोर्ट।